धूम्रपान आपकी सेहत को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही ये आपको गंजा भी बना सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सिगरेट पीने से बालों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। मजबूत बाल आपकी खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। रिसर्च में ये साफ हो चुका है कि सिगरेट का कश लगाने वालों के बाल धूम्रपान न करने वालों की तुलना में दुगनी रफ्तार से झड़ना शुरू हो जाते हैं। किसी पुरुष के गंजा होने के पीछे धूम्रपान भी एक कारण हो सकता है। बालों पर धूम्रपान के असर को जानने के लिए रिसर्चर्स ने ताइवान के 40 साल की उम्र से लेकर 90 साल की उम्र तक 700 पुरुषों पर स्टडी की। स्टडी में ये पाया गया कि रोजाना अधिक सिगरेट पीने वालों के बाल गिरने की रफ्तार सिगरेट न पीने वालों के मुताबिक दुगनी है। जिन लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया था, उनके बालों पर भी धूम्रपान का असर देखा गया। धूम्रपान से पूरे शरीर की ब्लड सर्कुलेशन पर विपरीत असर पड़ता है। सिगरेट में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ही कई खतरनाक केमिकल्स होते हैं। सिगरेट पीने से नुकसानदायक केमिकल तत्व शरीर के अंदर सांस के साथ प्रवेश कर जाते हैं। यही केमिकल्स बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिगरेट पीने से आपके बालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिगरेट पीने से बाल भूरे होते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ परिवारों में अधिकतर लोगों के बाल भूरे होते हैं। आमतौर पर बालों के भूरे होने की समस्या जेनेटिक होती है। जानकारों का मानना है कि लंबे समय तक धूम्रपान करने से भी आपके बालों के भूरे होने का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट में मौजूद निकोटीन से नसें सिकुड़ जाती है। धूम्रपान से शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है और ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे जहरीले पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं। इस कारण कई बार बाल भूरे हो जाते हैं या फिर झड़ने लगते हैं। सिगरेट पीने से बाल गिरने लगते हैं। बालों के गिरने की समस्या महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा देखने को मिलती है। धूम्रपान करने से शरीर में गंजेपन के लिए जिम्मेदार एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। यह हार्मोन बालों की जड़ों को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति गंजा हो जाता है। वही महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दो तरह के हार्मोन होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन एंड्रोजन के असर को कम करके महिलाओं को बाल गिरने की समस्या से बचाता है। यही कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं गंजेपन का कम शिकार होती है। सिगरेट पीने से नए बालों पर असर पड़ता है। कुछ लोगों को देखा जाता है कि वे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी सिगरेट पीना बंद नहीं करते हैं। धूम्रपान हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए लगाए गए नए बालों की बढ़वार पर विपरीत असर डालता है। जहां तक संभव हो धूम्रपान न करें। यदि आप स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट स्मोकिंग को पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम करने की कोशिश जरूर करें। बाल झड़ना तो सिर्फ एक इफेक्ट है जो स्मोकिंग के वजह से होता है। बाल झड़ने के अलावा और भी कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो हमारे शरीर पे स्मोकिंग के वजह से हो सकते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग छोड़ना ही बेहतर है। अगर आपके पास कुछ क्विक टिप्स है स्मोकिंग छोड़ने के लिए जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहे तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।